प्रणाम प्रिय दर्शकगण, आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि अपनी दिनचर्या व्यस्त होने के बावजूद आज का युवा अपनी संस्कृति को कायम रखे हुए है। आज आपके समस्त बाल कलाकार रामलीला का कुछ अंश प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम स्तुति गायन। छटा दिखा रही है। उपवनों में कोयले सुनहरी तान छेड़ रही हैं। बागों की क्यारियों में रंग बिरंगे फूलों की बहार, शीतल मंद सुगंध युक्तमय बहार अंग अंग में आनंद की तरंगे भर देती है। आज का नाटक संसार को लाभप्रद होगा। इस लोक में सुशिक्षा पत पितु मातृभक्ति भ्राति प्रेम एवं भद्र मैत्री पतिव्रत इत्यादि की शिक्षा हित देता हुआ परम सुखदायक परलोक में मोक्षदायक रावण आदि भक्तवत्सल भगवान रामचंद्र जी की लीला का नाटक गोसाई तुलसीदास जी की मानस रामायण के अनुसार खेलने की इच्छा है, जो कि श्रृंगार नवरसादि पूर्ण है। मुझे श्री रामचंद्र जी का वह वाक्य याद आ गया है। अयोध्या के राजा दशरथ की तीन रानियां थीं, जिनका नाम कौशल्या सुमित्रा कैकेयी था। उनकी कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। तत्पश्चात राजा दशरथ के यहाँ तीनों
रानियों ने चार पुत्रों को जन्म दिया, कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण का जन्म हुआ। आओ शुभी घड़ियां मनावे रे, चलो आओ शुभी घड़ियां मनावे रे। घर घर में मग्न ऋतु छाए रही है, घर घर में मग्न ऋतु छाए रही है। ऐसी खुशी में मनावे रंग रसिया रे, ऐसी खुशी में मन रंग रसिया रे, चलो आओ शुभी घड़ियां मनावे। ऋषि विश्वामित्र के आग्रह पर राजा दशरथ ने राम एवं लक्ष्मण को उनके साथ राक्षसों का संहार करने के लिए वन में भेजा। श्री राम ने ताड़का का वध किया एवं गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या को चरण स्पर्श कर शाप मुक्त किया। तत्पश्चात वे जनकपुर के निकट पहुँचे। देखो बाद में कैसी खिली फुलवारियां, रंगी रंगे पूरी खिली है, इसके इसमें की क्यारियां। देखो बाद में कैसी खिली फुलवारियां, ये कैसी बहार लक्ष्मण, देखो ये कैसी बहार मैया, देखो ये कैसी बहार, बाग भी फूले बढ़िया भी फूले, पकी रहे कैसी अनार, मंदिर कैसो चमकने लागो है, मंदिर कैसो चमकने लागो, पूजा करती नई नारे मैया, देखो ये कैसी बहार, सखियन के संग ललनी जो आई, लगीत जिया हमार, क्या कुली को अब दाग लगी ना भैये, क्या कुली को अब दाग लगेगा, नैया पड़ी मजिठारी भैया, देखो ये कैसी। चलो सखी गौरी को जाए, चलो सखी गौरी जाए, जाई चमेली तोड़ो चम जनक दरबार में देश विदेश के सभी राजा धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने आते हैं। ऋषि विश्वामित्र जी का राम एवं लक्ष्मण के साथ प्रवेश होता है और दूसरी तरफ से सीता माता अपनी सखियों के साथ महल में प्रवेश करती हैं। सभी राजकुमार धनुष तोड़ने का प्रयास करते हैं परंतु सफल नहीं हो पाते। रावण भी धनुष तोड़ने आता है। अचानक आकाशवाणी होती है, हे रावण, तुम्हारी बहन को मधुकंठव दैत्य हर के ले जा रहा है, तुम शीघ्र उसको बचाओ और तुरंत वापस लौटो। यह सुनकर रावण जाता है और जाते जाते कहता है कि सीता को एक बार लंकापुरी अवश्य दिखलाऊंगा, जय शंकर की। तत्पश्चात श्री विश्वामित्र जी श्री राम को आज्ञा देते हैं और श्री राम जी धनुष को तोड़ देते हैं। जनक जी के प्राण वाला
सिया के सयंबर वाला तोड़ों पुराना धन उठे आज शिव शंकर वाला सिया परशुराम राजा जनक से बोलते हैं कि जनक ये भीड़ कैसी है। तब राजा जनक उत्तर देते हैं कि सीता का स्वयंवर रचा गया है, ये भीड़ इसलिए है। फिर परशुराम कहते हैं ये धनुष किसने तोड़ा। तब श्री राम जी बोलते हैं कि ये धनुष आपके ही दास ने तोड़ा है। लक्ष्मण जी बोलते हैं बचपन में बहुत धनुष तोड़े पर कभी क्रोध नहीं आया, इस धनुष में क्या लाल लगे हैं जो स्वामी इतना गर जाते हो। बहुत वाद विवाद होने के बाद परशुराम जी श्री राम से कहते हैं यदि यह धनुष आपने तोड़ा है तो मेरा शक दूर करें, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा कर दिखाएं। परशुराम जी हाथ जोड़कर श्री राम की स्तुति करते हैं, रघुवंश में सूर्य समान रहे हे राम तुम्हारी जय हो। दशरथ दरबार लगा है, दशरथ मंत्रियों से कहते हैं हमारी चौथी अवस्था हो गई है मंत्रीवर, राम के राजतिलक की तैयारी कीजिए। इतने में मंथरा रोती हुई आती है। रानी कैकेयी मंथरा से पूछती हैं क्या हुआ मंथरा। मंथरा कहती है कल राम राज्य पा रहे हैं और भरत को संकट होगा, क्या आपने कभी सोचा। कैकेयी कहती है चल निकल यहाँ से मूर्ख दासी, किसने तेरी मति मारी है। मंथरा कहती है जीत रामचंद्र की है और हार तुम्हारे लाल की। कैकेयी कहती है भरत राम दोनों एक ही हैं। मंथरा गुस्से में बोलती है मेरा क्या, दोनों में से कोई भी राजा बने मैं तो दासी ही रहूंगी ना। तब कैकेयी थोड़ा सा बात को समझते हुए कहती हैं दासी तू सच्ची है, अब ध्यान मुझे भी आता है, अपना अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। मंथरा रानी कैकेयी से रंगती हैं रानी तुम्हें कुछ याद है कि राजा दशरथ से तुम्हें दो वर मांगने थे, सो मांग लेना। प्रथम तिलक भरत लाल को और तपस्वी के भेष में रामचंद्र बनवासी 14 वर्ष को हो। दशरथ ये सब सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं, बहुत दुख होता है उन्हें और कहते हैं भरत को राजतिलक मुझे मंजूर है कैकेयी, परंतु राम को 14 वर्ष का वनवास सहा नहीं जाता। राम सहनशील हैं और बात को समझते हुए वन को जाना स्वीकार करते हैं और राम सीता लक्ष्मण तीनों वन की ओर प्रस्थान करते हैं। पंचवटी का स्थान है, श्री राम लक्ष्मण एवं सीता बैठे हैं।
अचानक से शूर्पनखा का प्रवेश होता है। शूर्पनखा जो कि रावण की बहन है, श्री राम से कहती है, तुम मुझसे शादी कर लो। शूर्पनखा से श्री राम कहते हैं, हे सुंदरी, हम तो ब्याहे हैं तथा एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य को बहन समझते हैं। तुम क्यों नहीं लक्ष्मण के पास जाती, वे अवश्य ही तुम्हें वर लेंगे। शूर्पनखा लक्ष्मण के पास जाती है और लक्ष्मण से कहती है, तुम पर मेरा जिया लग जाए। लक्ष्मण शूर्पनखा से कहते हैं, हे सुंदरी, मैं तो केवल सेवक हूँ, अथा तुम फिर प्रभु राम के पास जाओ। शूर्पनखा फिर से श्री राम के पास जाती है और श्री राम उसे बहुत ही सहज लहजे में कहते हैं, हे सुंदरी, तुम पुनः लक्ष्मण के ही पास जाओ। लक्ष्मण शूर्पनखा से कहते हैं, थोड़ा सा गुस्से में भी है, कुशाचनी, यदि हुआ नहीं विवाह तेरा, तू अपनी संरक्षक से कह दे, कर दे ठौर कहीं तेरा। तत्पश्चात लक्ष्मण गुस्से में आकर शूर्पनखा की नाक काट देते हैं। शूर्पनखा रोती रोती खरदूषण के पास जाती है और कहती है, तुम्हारे जीते जी मेरा यह हाल हुआ। खरदूषण शूर्पनखा से कहते हैं, किसने ये तेरा हाल किया बहन, हमें बता, हम इसका बदला लेंगे। खरदूषण राम के पास जाते हैं और कहते हैं कि अपनी स्त्री हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। वहाँ श्री राम और खरदूषण के बीच युद्ध होता है और उस युद्ध में खरदूषण मारे जाते हैं। शूर्पनखा खरदूषण की मृत्यु परांत रोते रोते अपने भाई रावण के पास जाती है और कहती है, हे भैया, देखो ना मेरा ये क्या हाल हुआ है, लक्ष्मण ने यह मेरी दशा करी है। रावण अपनी बहन को निश्चिंत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि वे इसका बदला अवश्य लेंगे। रावण स्वयं से बोलता है, जब एक अकेले तपस्वी ने उन दो वीरों का संहार किया तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ कि नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने को प्रभु ने दिखलाई यह युक्ति मुझे, शायद इस रण के कारण ही मिल जाए रण से मुक्ति मुझे। हे स्वामी, ये कैसा विचित्र निरोग्य है, इसका चर्म अवश्य ही उत्तम होगा। हे भ्राता, मैं अभी इस मृग को मार कर आता हूँ, तब तक तुम सीता की रक्षा करना। हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, तुम्हारे भैया संकट में है, जाओ उनकी रक्षा करो। माता, मुझे पूरा विश्वास है उनको कोई भी दुख नहीं पहुंचा सकता। अच्छा, मैं समझ गई, स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से जो वन आए हो, कुछ मतलब और तुम्हारा है। आज अवश्य ही कुछ अनर्थ होने वाला है। इतने में रावण भिक्षा लेने कुटिया में आता है। रावण सीता से बोलता है, भिक्षा देव कुटी से माता, जोगी द्वारे आया है, देर भरी मोहे द्वारे ठाड़े, कोई दिन नहीं आया है, शापू जो भिक्षा नहीं पाऊं, मन में यही ठहराया है। आप अंदर आके भिक्षा ले लीजिए। सुग्रीव हनुमान बैठे हैं, यहाँ से राम और लक्ष्मण का प्रवेश होता है। बाली और सुग्रीव की लड़ाई में श्री राम बाली का वध कर देते हैं और सुग्रीव को पंपापुर का राजा बनाया जाता है एवं अंगद को युवराज बनाया जाता है। हनुमान सीता की खोज में श्री राम से आज्ञा लेकर निकल पड़ते हैं। विभीषण राम भजन गाते हुए यह देख हनुमान जी पूछते हैं,
यह राम नाम यहाँ कौन ले रहा है? फिर विभीषण और हनुमान की मित्रता हो जाती है। हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचकर सीता माता को मुद्रिका दिखाकर अपनी पहचान देते हैं। हनुमान सीता माता से कहते हैं, हे माता, ये फलों के पेड़ देखकर मुझे भूख लग रही है। अशोक वाटिका की अस्त व्यस्त हालत देखकर मेघनाथ हनुमान से कहते हैं, नीच बंदर, तू मुझे नहीं जानता, मैं इंद्रजीत हूँ। मेघनाथ हनुमान को बांधकर रावण के पास लेकर जाता है। रावण हनुमान की पूंछ में सजा के स्वरूप आग लगा देते हैं। क्षण भर में लंका में आग लग जाती है। हनुमान राम लक्ष्मण सुग्रीव बैठे हैं। हनुमान का जामवंत एवं अंगद के साथ प्रवेश होता है। राम हनुमान को शीघ्र समुद्र तट पर जाने की आज्ञा देते हैं। मंदोदरी रावण से सीता को वापस करने की विनती करती है, परंतु रावण स्वीकार नहीं करते। विभीषण भी रावण से सीता माता को लौटाने की बात करते हैं, परंतु रावण फिर भी नहीं मानते और उसे पैर से मारकर अपने राज्य से निकाल देते हैं। विभीषण चलते चलते रामचंद्र के चरणों में गिरते हैं और प्रणाम करते हैं। जिन चरणों का सनका देख नारद शारद ब्रह्मा देख साथ ध्यान लगाते हैं, मुझे उन चरणों में स्थान चाहिए। अंगद रावण संवाद। एक राक्षस रावण से कहता है, महाराज, फिर वही लंका को जलाने वाला बंदर आ गया है। रावण कहता है, आने दो। अंगद बोलता है, अनजान की जान की भूखी है, जान की जान की प्यासी है। तू समझता है अबला को कल पाएगा, कभी भी वह दिन ना आएगा। रावण कहता है, 10 शीश मेरे संग भुजवल, 20 मेरे कुल और प्रमाण की, 1,00,000 पुत्र मेरे, 1,25,00,000 नाती मेरे, मेरे राक्षसों के आन की, सोने के लंका मेरी, संपत्ति अतुल मेरी, गर्व व गुमान की। कहे रावण, सुन रे अंगद, पहले देऊं जान अपनी, पीछे देऊं जान की। ये पाँव मेरा पृथ्वी से तिल भर कोरे टार गया, श्री रामचंद्र जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण मेघनाथ से कहता है, बेटा इंद्रजीत, इस बंदर का पाँव उठाकर पटक दो। पैर हिलता भी नहीं। रावण स्वयं से कहता है, अच्छा मैं स्वयं उठाता हूँ। अंगद, हट, दूत के पाँव ना पकड़, क्यों अपनी शान घटाता है, क्यों ना पकड़ता रामचरण, क्या इसमें लज्जा खाता है। रावण कहता है, जा जा, चला जा, भाग जा। उन तपस्वियों से कह दे, लड़ने को तैयार हो जाएं। अंगद का वार राम से वार्तालाप के पश्चात श्री राम लक्ष्मण को युद्ध के लिए भेजते हैं। युद्ध स्थल में लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। फिर विभीषण बताते हैं कि लंका में सुशील नामक एक वैद्य रहते हैं, वहाँ पर जाके उन्हें लाना उसी के लिए उचित है जो वहाँ से परिचित हो। फिर राम जी की आज्ञा से हनुमान जी वहाँ पे जाके उन्हें लेके आते हैं। फिर वैद्य आके बोलते हैं कि लक्ष्मण को जीवित करने के लिए आपको एक बूटी चाहिए होगी जिसका नाम संजीवनी, जो केवल हिमालय पर्वत पर ही मिल सकती है। तो फिर हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जाते हैं। वहाँ पे हिमालय पर्वत पर जाके इतनी सारी बूटियाँ होती हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कौन सी बूटी ले जानी है, तो वो पूरा पर्वत उठा के ले चलते हैं। रास्ते में वह भरत को भी सारी कहानियाँ बता देते हैं और वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर वैद्य जी उनमें से संजीवनी बूटी छाँट के लक्ष्मण को सुखाते हैं और लक्ष्मण जीवित हो जाते हैं। बोलो जय हनुमान जी की, बोलो हनुमान जी की, बोलो जय हनुमान जी की। कुंभकर्ण का महल। राजा कुंभकर्ण को नींद से उठाया जाता है युद्ध करने के लिए। फिर वह उठ के युद्ध करने के लिए जाते हैं, पर वह युद्ध में मारे जाते हैं। फिर रावण
अपने बेटे मेघनाथ को भेजता है, पर वह भी मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर वह अपने भाई रावण अपने भाई अरावण को भेजता है, पर वह भी मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर रावण खुद ही जाता है वहाँ पे युद्ध करने के लिए। नाभि में अमृत कुंड है, अस्तु नाभि को ही बाण का लक्ष्य बनाइए। अब तुम मेरा ये अंतिम बाण स्वीकार करो। हे राम। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, भैया आज संसार से महान राजनीतिज्ञ जा रहा है, अतः तुम उसके पास जाकर राजनीति की बातें पूछ कर आओ। लक्ष्मण आज्ञा लेकर रावण के पास कुछ ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं। दो बातें केवल कहनी है, शुभ कार्य को टाले नहीं और बुरे काम में जैसे भी हो शीघ्रता करे कभी नहीं। मैंने सोचा था लंका में शीर सिंधु को लाऊंगा, फिर सोचा था स्वर्ग तक पृथ्वी से सीढ़ियां बनवाऊंगा। बस आज कहते कहते शुभ कार्य रह गया, मुझसे यह रह गया तो बस रह ही गया। कर सकता कौन तपस्या यह, पर नारी चोरी करना कर डाला कार्य बड़ी जल्दी। परिणाम उसी का यह पाया, छोड़ा संसार बड़ी जल्दी। तुम समझते हो जीते हैं, पर जीत मेरी ही है। मैंने अपने जीते जी लंका तुम्हें कभी नहीं आने दिया। रावण की मृत्यु उपरांत लंका में शोक फैल जाता है। यहाँ श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, भ्राता हनुमान व जामंत सभी मिलकर विभीषण को लंका का राज तिलक कराओ, फिर विभीषण को साथ लेकर अशोक वाटिका में जनक नंदिनी को यह शुभ समाचार सुनाकर साथ ही लेवा लाओ। लक्ष्मण श्री राम से आज्ञा लेकर लंका की ओर प्रस्थान कर पश्चात श्री राम सीता लक्ष्मण विभीषण सहित अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं और हनुमान ब्राह्मण वेश में भरत से मिलकर उन्हें श्रीराम के अयोध्या आने की सूचना देते हैं। भरत शत्रुघ्न व माताएं क्रमशः राम लक्ष्मण व सीता से नियम अनुसार मिलते हैं। सभी गदगद होकर एक दूसरे के गले मिलते हैं एवं अपार हर्ष का अनुभव करते हैं। सकल सभा के सुनो नर नारी, फूलो फलो सब रहो सुखारी। फूलो फलो अमृत फल पाओ। रामचंद्र जी की जय। सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। चलो सीता, मैं लेके आया।